ना एकदम पे काला गरम नहीं है ये गरम गरम हो जाएगा हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने इस आईफोन को दिखवाने, क्योंकि इसमें मैंने बताया था प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ हैंग हो जा रहा है, एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। दो दिन से मैं इसमें लगी हुई हूँ, आपने देखा होगा आज का वीडियो भी इसी वजह से लेट गया है। तो मैं सोच रही हूँ मैं इनके साथ में थोड़ा सा चली जाऊँ और थोड़ा सा पता करके आऊँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो पता चल जाएगा। तो बस मैं जा रही हूँ और ये भी तैयार हो गए। क्या कहाँ जाएंगे? पैदल जाएंगे। पैदल? हाँ। मास्क कहाँ है तुम लोगों के? नंदनी क्या हुआ सर जी, गुस्से में क्यों देख रहे हो? क्या गुस्से में क्यों देख रहे हो? गुस्से में नहीं हूँ, लग रहा है थोड़ा सीरियस हूँ। मैं सोच रहा था कुछ ऐसी न्यूज आई है ना, अपने जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आज हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो उसमें करीब वो खुद और उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। तो मतलब क्या है कि मैं जनरली उनके इंटरव्यूज वगैरह सुनता रहता ना, परसों ही सुन रहा था, तो वो सोच रहा था मैं उसके बारे में। और ये है वो शोरूम जहाँ से मैंने अपना आईफोन खरीदा, लेकिन जो सेल्समैन थे यहाँ पे उनको भी ज्यादा कुछ टेक्निकल उसके बारे में पता नहीं चल रहा था, तो फिर हम वहाँ से चले आए। मार्केट लगने लगी यार फिर से, ये मार्केट बंद हो गई थी, नाइट मार्केट है, रात में हर 10 पे खाने पीने की चीजें मिलती है। हमने तो खैर कभी खाया नहीं है, क्योंकि इतनी रात में हम कभी निकले नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ गोलगप्पा खाते। ये है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल और स्वीट इंडिया दोनों ही जगह, ये गोलगप्पे समोसे वगैरह जो भी नॉर्थ इंडियन फूड लेना है यहाँ आराम से मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं। तो गोलगप्पे हमने पैक करा लिए हैं। हम लोग चुपचाप यहाँ से निकले जा रहे थे, लेकिन आयान माना नहीं, जबरदस्ती करके खिलौने की शॉप में ले आए, क्योंकि लड्डू गोपाल में आए थे बगल में, इसको पता है कि यहीं पे खिलौनों की दुकान है, इसलिए यहाँ भागता हुआ चला है। अब इसको कुछ ना कुछ दिलाना पड़ेगा, नहीं पूरे रास्ते ऐसे ही जाता नाटक करते। यहाँ पे खिलौने बहुत महंगे हैं, मतलब कार भी 600 रुपए से स्टार्ट है, तो हम कार की जगह सोच रहे हैं इसको चश्मा दिला दें। ऊपर फिर दिखा दो सबको, फिर दिखा दो। इतनी बड़ी नाक लटक रही है क्या आपकी? हमने बाहर से आयान को एक ऑटो दिला दिया जिसमें ड्राइवर नहीं था, क्योंकि वो सस्ता वाला ऑटो था। ड्राइवर चाहिए इस बार जो इसके लिए ऑटो लेके आए, उसमें ड्राइवर नहीं है, बिना ड्राइवर वाला है, तो इसने पहले वाले ऑटो का ड्राइवर निकाल के कहीं रख रखा है। ड्राइवर पता नहीं ऑटो का रख रखा है कि बस का रख रखा है, उसी को ढूंढता घूम रहा है, उसका ड्राइवर नहीं मिल रहा है, ऐसे बैठा हुआ ड्राइवर है ऐसे टेढ़ा। नंदिनी ने उसका ड्राइवर ढूंढ दिया, ये देखिए ये बैठ गए ड्राइवर साहब उनके ऑटो में, सीट से अलग है, लटक के बैठे हैं, मोटे हैं ड्राइवर साहब। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो क्लीन कर रहा हूँ उसको लैपटॉप से। और यहाँ पर जो मैं गोलगप्पे लेके आई थी, तो इनको मैं भर के तैयार कर देती हूँ, फिर हम करेंगे गोलगप्पे की पार्टी। और यहाँ पर जो गोलगप्पे मिलते हैं वो आलू वाले ही मिलते हैं, और जो हमारी तरफ मटर वाले मिलते हैं, जो मटर भर के हम खाते हैं, वो वाले और टेस्टी लगते हैं। और मैंने भी जितने बार बनाए हैं आलू वाले ही बनाए हैं, मटर वाले नहीं बनाए हैं। तो आगरा में भी इनके यहाँ मटर वाले नहीं मिलते, आलू वाले ही मिलते हैं। तो ये सारे मैंने भर के कर दिए रेडी, तो चलिए गोलगप्पे की पार्टी करते हैं। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्लो मोशन का वीडियो शूट करके देख रही थी, तो ये उसी क्लिप आ गई थोड़ी सी स्लो मोशन की। तो यहाँ पर शुरू हो गई है पार्टी, उस बार अयान भी शामिल है हमारे साथ। तुम भी चार लोग हैं। डन। आठ हो गया ना, 24 लाया था ना मैं। सबसे कम खाने से होता है, झूठ के बोले मैं सबसे लास्ट में आई हूँ। मैं तुम लोग बहुत देर से खा रहे थे, तब मैं हाथ हाथ धोने में लगी थी, कैमरा सेट करने में लगी थी। हम कौन सी उसे खा रहे हैं? और गोलगप्पे खाने के बाद कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो ये घर का बनाया हुआ पनीर रखा है, थोड़ा दूध बच गया था तो उसका पनीर बना के रख दिया था, तो उसी को डाल के पुलाव बनाएंगे। और ये आ गए अपना ऑटो दिखाने। दही है, दही है, पनीर है, अभी इसको पुलाव में डालेंगे, कच्चा है अभी ये।
तो पुलाव के लिए पनीर काट लिया है, सारी सब्जियां काट ली हैं और चावल धो के रख दे रही हूँ, मतलब व्यवस्था पूरी मैं कर दे रही हूँ, लेकिन पुलाव नंदनी बनाएगी, क्योंकि पुलाव हो या पोहे हो या चावल जो फ्राई करते हैं वो नंदनी के हाथ की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, अपने उतने अच्छे नहीं लगते हैं। और मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था, सिंपल जैसे पुलाव बनाते हैं वैसे ही बनाया था। तो अभी आई हूँ मैं खाना खा के, और उस दिन जब मैं ये सूट लेके आई थी ना तो मुझे एक कुकर मिला था गिफ्ट में, तो वो कुकर मैं जा रही हूँ अभी खोलने, आप लोगों को दिखाने जाती हूँ, क्योंकि कोई भी नई चीज आती है, कोई भी बर्तन हो कुछ भी हो, दिखाने का मन करता है, मेरा भी देखने का मन कर रहा है। हाँ ये अयान जा रहे हैं उस दिन के कुकर का अनबॉक्सिंग करने ना। अयान चाकू से निकलेगा तो चाकू आप मत लाओ, हम ले आएंगे। चलो रखो इसे, खोलेंगे अभी दिखाएंगे। कुकर लिखा है, कुकर लिखा है, कुकर लिखा है उसके ऊपर। अरे वाह, डिफॉल्ट पीस आ गया यहाँ से, ये कैसा पिचका पिचका सा हो रहा है इधर किनारे से देखिए, और ये यहाँ से लूज भी है, ये थोड़ा सा कसना पड़ेगा, हाँ यहाँ से बोल्ट कस जाएगा उसका। ये वाला कुकर मैंने पहली बार देखा है, इसकी जो रबड़ है वो अंदर इस तरीके से फिक्स है, क्योंकि अभी तक हम जो यूज कर रहे थे उसको यहाँ ऊपर लगाते थे, ये अंदर वाली हाँ। इंजीनियर साहब आओ, ये नए तरीके का है, इसमें ना ऐसे जिगजैग बने हुए हैं और इसमें भी ऐसे ही जिगजैग बना है, इसको आपस में से फिट करके लगाने वाला है, इसमें रबड़ भी अंदर है। देखा है मैंने, कहाँ देखा? ये हमारे पास हुआ करता था जब तुम्हारे आने से पहले, मैं विशाखापट्टनम में ऐसे बैचलर रहता था कुछ लड़कों के साथ, तो हमने भी खरीदा था। खाना बना के लाओ जल्दी, सीटी लगाओ, मुझे तुम बेवकूफ बना रहे हो यार, उसमें सीटी नहीं आ रही, मुंह से सीटी निकाल रहा है। खाना ला जल्दी, जल्दी ला, पापा को दो, जल्दी ला, ला। और तुम पे काला? गरम नहीं है, गरम नहीं जल जाएगा। और तुम पे काला काला? गरम नहीं है, अभी तो गरम होगा ना, गरम है ना? अरे गरम काला? गरम खा ले, आप खाते हो गरम? मटेरियल भी देखा जाए ना बहुत ज्यादा वीक है, चीजें दे रहे हो और अपनी सेल बढ़ा रहे हो, आई डोंट सपोर्ट दिस यार, और इतना इतना वीक, इतना कमजोर है ना, हद हो गई यार। इससे बढ़िया ना आप चीज अच्छी दे दो ना, पैसे बढ़ा के दे दो यार, ये फालतू गिरी, मतलब ये फोर्स्ड सेल है। नहीं दो ही ना, दो मत। तो चलिए अभी क्या है, किचन का थोड़ा सा काम पड़ा है, मुझे ये बर्तन वगैरह धोने हैं, गैस वैस तो मैंने साफ कर दिए सब, बस बर्तन धोने के लिए रह गए हैं। कल मैं ये फ्रिज का कवर खाली करूंगी क्योंकि ये इतने भर गए हैं ना, इसको खाली कर दूंगी अभी, ताकि सुबह मैं इसको धोने के लिए डाल दूंगी, गंदा सा भी हो गया। बहुत सामान इसमें भरा जाता है, किसी को भी कहीं भी कुछ भी सामान मिलता है सब इसी की पॉकेट में डाल देते हैं, कील पत्ती पता नहीं क्या क्या इसमें, चाबियां सब इसी के अंदर मिलेंगी, और सब कूड़ा होता है, सब फेंकने वाला सामान होता है इसमें, आधे से ज्यादा सामान तो सब फेंकने वाला निकला है। इधर इधर क्या हो गया, हल्ला मत मचाना। अरे मैं बताऊँ, ये सामने जो खिड़की है ना, इसमें दोनों रोज ऐसे ही बैठे रहते हैं, इतनी ठंडी हवा चलती है, ठंड लगती है, जैसे पंख फुलाए हुए बैठे हैं, और ये दोनों यही है, बंद होने का इंतजार कर रहे हैं, पागल तुम बत्ती बंद करो यहाँ से। मेरे को बहुत अच्छा लगता है यही बैठते हैं, एक इसमें से ब्लैक एंड व्हाइट चित्ती वाला है और एक पूरा ब्लैक है, बहुत सुंदर है ना, कितने क्यूट लगते हैं ना। पक्षियों को भी बंद करके ना पिंजरे में नहीं पालना चाहिए, अभी अपनी मर्जी से यहाँ बैठते हैं, भले ही उनने अपना घर बना रखा है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं, और इन्हीं को बंद कर लो फिर इन्हें कैसा लगेगा।
और ये सुबह के लिए मैंने पूरी किचन साफ कर डाली है। और किचन साफ करने के बाद में ये सिलेंडर जो खाली रखा हुआ था किचन में, पहले इसके नीचे मैंने एक तख्ता लगा रखा था कार्टून का, तो वो ख़राब हो गया था। तो अयान की टेबल का मुझे मिल गया, ऊपर का निकला हुआ है, नीचे से लकड़ी का ही है, तो इसका एक कबाड़ खम भी हो गया है, इसी के मैं से उठा ले गई हूँ। और वहाँ पर सिलेंडर भी सही से सेट हो गया है। अब मैं दिन में सिर्फ दो बार इसका कबाड़ उठाती हूँ पूरे घर में जब फैलाता है, एक बार सुबह की सफाई के टाइम, एक बार रात में टाइम, पूरे दिन नहीं उठाती हूँ। और गाड़ी ले लेते हो, खरीद लेते हो, और उसके बाद घर में आके ऐसे उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हो तोड़ तोड़ के। कुछ नहीं लाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने इसको ये महंगी वाली कार नहीं दिलाई थी, वहां पे रो रहा था ना बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे पता था कि ये घर तक पहुंच जाएंगे उसके बाद नहीं मिलेंगे। इसी के साथ आज का दिन भी दी एंड हो गया, आज का दिन भी खत्म हो गया है। और एक आज बहुत बड़ी बैड न्यूज है हम सबके लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश को जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, आज उनका देहांत हो गया है, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत 4-स्टार जनरल थे, एंड उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट जनरल तक की पोस्ट पर पहुंचे थे। और उनकी जो बीवी है उनका नाम है मधुलिका रावत, उनका भी दुखद देहांत हो गया। एंड उसके साथ साथ करीब 11 पर्सनल आर्मी के और थे जो कि ऑन बोर्ड थे उस समय, कुल मिला के 14 थे, जिसमें से 13 लोगों का दुखद निधन हो गया है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, जो कि रशिया से परचेस किया गया था, MI-17 था। MI-17 की हिस्ट्री भी काफी खराब रही है, क्योंकि कई सारे क्रैशेज हुए हैं MI-17 के जो कि रिसेंटली सुनने में आए हैं। बट फिलहाल हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं और हमको ऐसा लगता है कि ठीक है वो चीज हो गई तो हो गई, हम उसको इतना रियलाइज नहीं कर पाते, हमको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी उससे कहीं इफेक्ट नहीं हो रही है। बट मैं बताना चाहूंगा, बिलीव मी, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, इट्स ए वेरी वेरी बिग लॉस टू आर कंट्री, एंड जो कि हमको भी इफेक्ट करता है। इन द एंड वही कहूंगा कि वी कांट अनडू व्हाट जस्ट हैज हैपेंड, एंड हमारी जो प्रेयर्स हैं, जितने भी लोग अपनी लाइफ को गंवा चुके हैं इस क्रैश में, उन सभी की फैमिलीज के साथ हैं, कंडोलेंसेस आर विद देयर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम। ओम शांति, ओम शांति, रेस्ट इन पीस जनरल बिपिन रावत, हिज वाइफ मधुलिका रावत, एंड अदर 11 पर्सनल्स, अदर आर्मी पर्सनल्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स। Rest in peace.